Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. Dr. Ajay? Yeah, my line. Yeah, go on. आइए आज की हिंदी प्रेयर लाइन को शुरुआत करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करें कि उस परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम एक बार फिर अपने अपने घरों में बैठकर और इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम आपस में जुड़ सकते हैं। आत्मा में हम एक होकर विभिन्न विषयों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। इससे पहले कि हम प्रेयर लाइन को शुरू करें, मैं सभी भाई बहनों का जो इस प्रेयर लाइन में आए हुए हैं सभी का अभिनंदन करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज वचन देने वाले पास्टर ब्लेसन आपका भी मैं स्वागत करता हूं और गाने गाने वाली बेटी रिया अब्राहम को भी मैं वेलकम कहता हूं। हम आज की प्रेयर को शुरुआत करने से पहले मैं भजन संहिता 125 के कुछ वचन पढ़ूंगा। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा, क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ से कुटिल काम की ओर बढ़ाएं। हे यहोवा, भलों का और सीधे मनवालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इसराइल को शांति मिले। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जैसे परमेश्वर यरूशलेम को पर्वतों से घेरे रखता है, वैसे ही परमेश्वर अपने डरवैयों को घेरे रखता है, उसके दूत उसके चारों तरफ घेरा करे रखते हैं। और दूसरी बात परमेश्वर की है कि वो हमारी प्रार्थनाओं का सुनने वाला और उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आइए आज की प्रेयर लाइन को शुरुआत करते हैं। हमारे पास हम लोग कुछ दिनों से हीलिंग के लिए, कुछ लोगों के लिए, कुछ व्यक्तियों के लिए, कुछ परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं उन विषयों को दोहराऊंगा। सिस्टर लीसा के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रदर जस्टिन के लिए जो न्यूयॉर्क से हैं, ब्रदर गुरविंदर की पूर्ण हीलिंग के लिए, और बच्चा नमन जो नागपुर से हैं उनके लिए हम विनती कर रहे हैं, सिस्टर लिलम्मा, सिस्टर किरण एंड लक्ष्मी के लिए, और पास्टर सैमुअल थॉमस और विकास के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोग तमाम उन लोगों को भी याद करेंगे जिनके नाम इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन जिनको भी हीलिंग की जरूरत है उनके लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपस में मिलके प्रार्थना करो और परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। इसी तरह से इंटरसेसरी प्रेयर के द्वारा और भी लोग आशीष पाए। इस वक्त में बेटी रिया अब्राहम, रिया आप लाइन पर हैं? या आप गाना गाएंगी प्रभु के लिए? विल यू सिंग अ सॉन्ग टू द लॉर्ड? या ओके, नाउ दिस इज योर टाइम। और इसके बाद पास्टर ब्लेसिंग जो गाजियाबाद से हैं, ब्रदर आप लाइन पर हैं? जी जरूर। बेटी रिया के गाने के बाद आप वचन को शेयर करें। रिया, यू कैन सिंग। ओके, यीशु मसीह के नस्तलीय नाम में जय मसीह की। जय मसीह की सब। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा का ये सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा का ये सभी। हम गाए हो सेना, तू राजाओंका है राजा, तेरी महिमा हो सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना,
तेरी महिमा हो सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को आपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को आपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू रिया, बहुत अच्छा गाना गाया आपने, और इसी तरह परमेश्वर के लिए आप गाइए और परमेश्वर आपको और अधिक आशीष देगा, आपकी आवाज को और अधिक बढ़ाएगा और आप बहुत सभाओं में और बहुत सारे लोगों के बीच में परमेश्वर के लिए गाने पाओगी। परमेश्वर आपको और आपको मम्मी पापा सबको बहुत आशीष दे। पास्टर ब्लेसन, मैं आपका स्वागत करता हूं। पास्टर ब्लेसन जो गाजियाबाद से हैं, इस वक्त कैलिफोर्निया से लाइन पर हैं, और जब वो कुछ हफ्ते पहले ओक्लाहोमा सिटी में थे, मुझे मौका मिला कि मैं उनसे मिल सका और उनसे वचन भी सुन सका, इसलिए ये एक बड़ा अच्छा समय है। पास्टर ब्लेसन, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सभी को और ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में शामिल सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप सुन रहे हैं जी हाँ, जी हाँ, सब सुन रहे हैं, जी हाँ। आज की इस सभा में या इस प्रेयर टाइम में मुझे शामिल होने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, मुझे इनवाइट किया गया। प्रभु के दासों को मैं आभारी हूँ और हम कुछ समय की वचन की मनाने के लिए लुका रचित सुसमाचार 16:19-31 तक का वचन को देखें, और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत और या एक कहानी उसने बताया है जो बहुत मशहूर है। हम जानते हैं धनवान और लाजर की कहानी है, लेकिन इससे पहले कि हम इनके वचनों को देखें, हम एक बात को ना भूलें कि प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को अपने कल्पना में बनाया है। एक कहानी है, ये कोई असलियत नहीं है, यानी एक ऐसा घटना नहीं है जो सचमुच संभव हुआ, लेकिन यीशु अपने कल्पना को इस्तेमाल करके उसकी बुद्धि और ज्ञान में अपने सामने खड़े ऑडियंस को कुछ बातों को, कुछ सच्चाइयों को समझाने के लिए इस कहानी का उपयोग किया है। इस कहानी को हम तीन हिस्सों में बांध सकते हैं, जो यीशु मसीह ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपना इस कहानी का वर्णन किया। पहला 19-21 वचन तक जीवन के विषय में, 22 वचन में मृत्यु के विषय में, और 23-23 वचन अनंत जीवन के बारे में
यीशु मसीह ने इस कहानी के द्वारा हमें बताते हैं। और हम देखें कि 19वां वचन में इस प्रकार लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और 20वां वचन कहते हैं कि और लाजर नाम का एक कंगाल गांव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। एक ही कहानी में दो व्यक्तियों के विषय में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। और ये पहला संभव है या एक घटना है जहां पर एक दृष्टांत में यीशु मसीह किसी व्यक्ति को एक नाम देते हुए पुकारते हैं, जो हम देखते हैं कि कंगाल व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखा है लाजर, और कहीं नहीं बाकी सब दृष्टांतों में यीशु मसीह ने किसी का नाम तो लिया नहीं। लेकिन मैंने इस बात पर मनन किया तो सोचा कि क्यों ना ही इस धनवान को प्रभु यीशु ने एक नाम नहीं दिया। यदि लाजर नाम का एक कंगाल है तो धनवान मनुष्य को भी यीशु मसीह एक नाम दे सकता था, लेकिन उसमें भी एक बड़ी सच्चाई छिपी हुई है, क्योंकि वो एक ऐसा मनुष्य था जो इस संसार में रहते हुए भी एक संबंध पर या रिश्तों पर ज्यादा गौर करने वाला नहीं था, या वो इतना उस बात पर गंभीर नहीं था कि वो सच्चे संबंधों को बनाए खुदा के साथ, या खुदा ने उनके उनको अपने जीवन में दिया गया मनुष्यों के साथ अन्य लोगों के साथ कोई संबंध नहीं था उनको। और इसीलिए एक व्यक्ति का नाम हमेशा उनके संबंधों को सूचना करते हैं। और इसी प्रकार जब धनवान अपने जीवन में सच्चे संबंधों को कोई स्थान नहीं दिया, हम देख सकते हैं बाद में वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर कोई नाम की जरूरत नहीं है। और हम आगे जब देखते हैं इस लाजर नाम के व्यक्ति या इस कहानी का ऑडियंस जो सबसे पहले स्थान में है, फरीसी लोग और चुंगी लेने वाले लोग और पापी लोग। लेकिन फरीसी लोगों की कुछ स्वभाव की विशेषताओं को टारगेट करते हुए या उसके ऊपर लक्ष्य बनाते हुए यीशु मसीह इस कहानी को बताते हैं, क्योंकि प्रभु चाहता था कि उन फरीसियों का भी मन फिराव हो, ताकि वो उस पिता के संबंध में प्रवेश हो जाएं और अनंत जीवन पाए। इसलिए इस कहानी की शुरुआत को वो बहुत अच्छी रीति से स्क्रिप्ट किया गया है, ताकि इन फरीसियों की पूरा ध्यान उसकी ओर वो खींच लिया। फरीसी लोग ये विश्वास करता था, या दूसरे शब्द में कहा जाए कि वो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल जो हम आज दुनिया में देखते हैं उसका पहला ओरिजिनल इन्वेंटर्स था। उन्होंने ये इन्वेंट किया गया क्योंकि वो ये विश्वास करता था यदि आप धनवान हैं, अमीर हैं, परमेश्वर ने आपको अमीर बनाया और आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित हैं। यदि आप गरीब हैं, परमेश्वर का श्राप आपके ऊपर है, इसलिए आप गरीब हैं। और कभी एक गरीब इंसान अमीर नहीं बन सकता और उसका कोई प्रभु के राज्य में कोई स्थान नहीं है। इस सोच विचार या विचारधारा के साथ चलने वाले फरीसियों को लक्ष्य बनाकर यीशु मसीह ने ये कहानी जब बताया, उनको बड़ा अच्छा लगा। धनवान के विषय में कहा, लाजर के विषय में कहा, और लाजर के विषय में जब यीशु बताते हैं खास उस कहानी को और उत्साहित बनाने के लिए, उसने ये भी कहा कि वो घाव से भरा हुआ एक व्यक्ति था, लेकिन कुत्तों ने आकर उसकी घाव चाटते थे। फरीसी लोग अपने अन्य जाति लोगों के साथ कोई संबंध रखने के लिए तैयार नहीं था, यानी वो हमेशा अन्य जातियों को
यहां तक समझता था कि वो कुत्ते के बराबर है, और यहां इतने तक फरिश्तों ने सोचा कि पहली बार यीशु मसीह हमारे बारे में कुछ अच्छे बात कहने वाले हैं। लेकिन जो 22 आयत में हम पहुंचते हैं, अचानक इस कहानी को यीशु मसीह और उसकी ऊंचाई पर ले जाते हैं और कहते हैं कि कंगाल मर गए और स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और घर आ गया। और जब कंगाल व्यक्ति स्वर्ग दूतों के द्वारा इब्राहिम की गोद में पहुंचा गया, इस बात को जब फरिश्तों ने सुना, सचमुच उनको बिल्कुल गुस्सा आया होगा और उसने सोचा कि कैसे हो सकते हैं। लेकिन यीशु ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया और उसको और भावनात्मक रूप से उसने ये बताते हैं कि धनवान व्यक्ति स्वर्ग नरक से या पाताल से अधोलोक से आंख उठाकर देखा और स्वर्ग में लाजर को पाया। और वहां से यीशु एक कन्वर्सेशन या एक बातचीत वार्तालाप को शुरू करते हैं, जो कि हम जानते हैं कि असलियत में ऐसा हो ही नहीं सकता स्वर्ग और नरक के बीच में, लेकिन यीशु ने इस कन्वर्सेशन को शुरू किया ताकि नरक में पड़े एक व्यक्ति का विचार और स्वर्ग में आने वाले एक व्यक्ति का विचार क्या है इसको समझाने के लिए। और देख सकते हैं कि धनवान व्यक्ति उस अब्राहम से ये सब पूछते हैं या पुकारते हैं कि हे पिता अब्राहम, कि मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, 24 आयत में, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। यहां पर हम एक और सच्चाई देख सकते हैं कि अनंत जीवन में स्वर्ग या नरक में कभी किसी व्यक्ति का चरित्र स्वभाव बदलता नहीं। परमेश्वर इसलिए हमें इस पृथ्वी पर रखा है। आज मेरे आवाज सुनने वालों में से कोई है जो सोचते हैं कि क्यों परमेश्वर मेरे जीवन में इस पृथ्वी पर ऐसे विभिन्न परिस्थितियों से क्यों लेकर जाते हैं, कभी क्लेश, कभी कभी दुख, कभी परेशानी, कभी खुशी। लेकिन इन सभी परिस्थितियों के द्वारा हमारा चरित्र परमेश्वर अपने समान बदलते हैं, और वो काम जब पूरा हो जाते हैं परमेश्वर हमें अपने पास बुला लेते हैं। अनंत जीवन में किसी का चरित्र बनाने का या बदलने का जगह नहीं है। इसलिए यह धनवान व्यक्ति भी अधोलोक में पहुंचने के बावजूद भी वो अपने स्वभाव में कोई बदलाव हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी वो चाहते हैं कि कोई आए, लाजर को भेजे, मेरे सेवा करे। क्योंकि वो अपने जीवन में संसार में जब रहता था, हर दिन प्रतिदिन सुख विलास करते हुए अपने जीवन सब प्रकार की अनंत की वस्तुओं से वो अपने जीवन को बिताते थे, और वो सेवा लेते गया और उसी स्वभाव में वो उधर पहुंचते हैं। और हम आगे देखते हैं कि अब्राहम उसको जवाब देते हैं, लेकिन अब्राहम की जवाब में एक शब्द को मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो 25 आयत में इस, अब फिर इस बात को आप ना भूलें कि ये असलियत में एक कहानी नहीं है, यीशु मसीह ने इसको बनाया है। और यीशु मसीह ने जब बनाया, एक एक शब्द को वो जानबूझकर यहाँ पर उसने डाला है। यीशु का कभी गलती नहीं हो सकता, इसलिए यीशु ने इस प्रकार कहते हैं, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर। अब्राहम जब धनवान एक व्यक्ति जो नरक में है, अधोलोक में है, उसको संबोधित करते हैं, उस समय भी अब्राहम कहते हैं कि हे पुत्र। और ये यहाँ पर एक सच्चाई हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का दिल, परमेश्वर का हृदय, जो अपने मनुष्य के लिए, अपने सृष्टि जो मनुष्य के लिए
हमेशा एक सा है, उनका प्रेम एक सा है। वो कभी हमें त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है, उसने हमें सृष्टि किया और इसलिए वो हमारा पिता और हम उसके संतान है, और वो चाहते हैं कि हम उसके साथ अनंत जीवन बिताएं। लेकिन इस धनवान ने उस संबंध को या उस रिश्ता को इतना बहुमूल्य नहीं समझा जब वो इस संसार में थे, इसलिए पिता के साथ जब उसका कोई संबंध नहीं था वो पाताल में अधोलोक में पहुंच गया। लेकिन तब भी स्वर्ग से परमेश्वर उनको जब देखते हैं, उनके बातों को समझते हैं, उनको पुकारते हैं कि हे पुत्र, परमेश्वर के दिल इतना इतना प्यारा है कि उनका प्रेम यहाँ तक कि जो ज्वाला में पड़े हैं एक व्यक्ति जो नाश में है उनके प्रति भी वो फकीर है। कभी नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति नरक में जाए, नाश हो जाए, लेकिन हर व्यक्ति अनंत जीवन पाए। मैंने इस यहाँ पर एक और बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने जब इस कहानी को बताया और अपने सारे इमेजिनेशंस को इस्तेमाल करके, कल्पनाओं को इस्तेमाल करके जब फरीसियों को वो दुख पहुंचाने के लिए कोशिश करते ताकि उनका मन फिराए, ऐसे कठोर शब्दों को वो इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कहानी में एक्सट्रीम्स तक वो पहुंच जाते हैं। लेकिन इस पॉइंट पर जब यीशु मसीह ने ये अब्राहम का जो बातचीत को बनाया, परमेश्वर ने ये सावधान से या बताया है कि हे पुत्र, यीशु मसीह ने इतना एक्सट्रीम तक गया कि अब फरीसियों को प्रवोक करने के लिए ताकि, लेकिन वो ऐसा नहीं किया कि दिखाने के लिए यीशु ने उनको इनकार किया गया। उनको अभी भी मौका है पिता के पास लौट कराने के लिए और उस संबंध को पाने के लिए। और आगे हम देख सकते हैं कि इस धनवान व्यक्ति ने उस अब्राहम से पुकारते हैं कि उनका पांच भाई है जो अभी भी संसार में है, जीवित है, उनके पास क्यों ना लाजर को भेजें। और उसकी उस विनती को भी अब्राहम इनकार करते हैं। हम यहाँ पर सोचना है कि क्यों परमेश्वर ने उसकी विनती को नहीं सुना। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति स्वर्ग में जाए, अनंत जीवन को पाए, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक प्रोसेस या एक प्रक्रिया को रखा है। कोई भी व्यक्ति नरक के बारे में सुनने के बाद वो ये जरूर सोचेंगे कि मुझे वहां नहीं जाना है, लेकिन उस इच्छा के द्वारा वो कभी नरक से दूर रह सकते हैं। या कोई भी व्यक्ति स्वर्ग के बारे में सुनने के बाद उसके दिल में इच्छा आ जाते हैं कि मुझे स्वर्ग जाना है, लेकिन उस सिर्फ उस इच्छा के द्वारा कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। इच्छा नहीं बल्कि हम कुछ कदम को उठाना है। उस मन फिराव का तीन कदम क्या है उसको कहते हुए मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। 29 वचन इस प्रकार कहते हैं पहला कदम के बारे में। अब्राहम ने उनसे उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। पहला कदम है हम उसका परमेश्वर के जीवित वचन को सुनना है। दूसरा कदम है 31 वचन में, उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेगी। सुनने के बाद हम अक्सर सुनने वाले हैं। संसार में बहुत सी बातों को, बहुत से विषय के ऊपर हम सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं, लेकिन 31 वचन के अनुसार मानने के लिए भी हम तैयार हो जाए। मन फिराव का दूसरा कदम है मानना, अंगीकार करना, विश्वास करना, सुनना, मानना। तीसरा कदम है 30वां वचन, उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम,
पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिर आएंगे। तीसरा कदम मन फिर आए फिर आव है। सो इस तीन कदम के द्वारा एक व्यक्ति अनंत जीवन प्रवेश में प्रवेश कर सकते हैं, उस पिता के साथ एक संबंध में जा सकते हैं और उस अनंत जीवन के साथ परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। इसलिए आज की शाम हम इस बात पर गौर दें कि हम रोज मन फिराव की जरूरत हमारे जीवन में परमेश्वर चाहते हैं। हम सुनने वाले हरेक वचन पर हरेक प्रभु के कलाम के ऊपर हम उस पर मनन करें, उसको विश्वास करें और उसके ऊपर मन फिराए। प्रभु चाहते हैं कि हम मन फिराव का उचित फल देने वाले एक व्यक्ति बने। आज की शाम प्रभु हमारे जीवन में इस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि इसके ऊपर हम मनन करने वाले, मानने वाले और मन फिराव के योग्य फल लाने वाले बनने पाए। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। पास्टर बहुत इंसाइट आपने दिया उन कदमों के बारे में, उस प्रक्रिया के बारे में कि पहले तो हमें वचन को पढ़ना है और उसका अंगीकार करना है और फिर मन फिराना है और अपने जीवन को टर्न अराउंड करना है। यही हमारे नए जीवन का प्रक्रिया है और बगैर इसके हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, बगैर इसके हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। एक बार फिर परमेश्वर आपका, यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर आपको और आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए। और जब आप यात्रा करेंगे, इंडिया जाने वाले हैं आप, तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और आपको सही सलामत आपके घर तक और आपके परिवार से मिलाए। थैंक यू। इस वक्त फिर हम अपनी प्रार्थना सभा को आगे रखेंगे और समय की गंभीरता को देखते हुए कुछ विषय जो हमारे सामने बचे हुए हैं हम उनको याद करेंगे। अभी हम लोग ने इंटरनेशनल विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसी के साथ साथ मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस देश से हम लोग निकले हैं, भारतवर्ष से, और भारत के जो सराउंडिंग नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके लिए और अमेरिका के लिए जहां हम रहते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम कहां से आए हैं और परमेश्वर ने हमें कहां रखा है। परमेश्वर ने आज तक हमको सही सलामत रखा और बहुत सारी आशीषों से हमको भरा है। हम प्रार्थना करें खास तौर से अमेरिका में रिवाइवल अमंग द चर्चेस के लिए। इस वक्त अमेरिका को सबसे ज्यादा रिवाइवल की जरूरत है, अमेरिका को सबसे ज्यादा इंटरसेसरी प्रेयर की जरूरत है। हम जो जिनको परमेश्वर ने अगुवाई दी है, जिनको परमेश्वर ने अपने निकटता में लाया है, हमारी ये कार्य बनता है, हमारे कर्तव्य बनता है कि हम मसीह के लिए, मसीह के नाम से इस देश में प्रचार करें और इस देश में रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें जितना भी इवेंजेलिकल वर्क होता है विभिन्न एथनिक ग्रुप्स के अंदर, खासतौर से उन ग्रुप्स के अंदर जो भारत से आए हुए, हम उनके बीच कार्य के लिए प्रार्थना करें जो अमेरिका में रहते हैं। हम प्रार्थना करें भारत के लिए और भारत और भारत में जो भी जितनी क्रिश्चियन समुदाय हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए और परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करें। भारत में जो एवेंजेलिकल कार्य होता है उसके लिए हम प्रार्थना करें। जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके द्वारा जो मनादी का कार्य होता है उसके लिए हम प्रार्थना करें। सेमिनरीज के लिए प्रार्थना करें, हम हिंदुस्तान के डिफरेंट स्टेट्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के डिफरेंट जो रैंक्स हैं उनके लिए और डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए, बॉलीवुड के लिए, डिफरेंट इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स के अंदर परमेश्वर का वचन फैलाया जाए और खास तौर से जो शैतान के दर्द आने वाले नगर हैं और जो शैतान के दर्द हैं गढ़ हैं उनमें परमेश्वर का सुसमाचार वीरता के साथ प्रचार हो। कोई भी भाई या बहन जिनको परमेश्वर अगुवाई देता है इस वक्त भारत के लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए और अमेरिका के लिए प्रार्थना करें।
हालेलुया हालेलुया सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज रात का प्रभु जी हम विशेषकर प्रभु जी आपका वचन सुनाए हुए प्रभु के दास के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। विशेषकर प्रभु जी आज रात का प्रभु जी उन्होंने लाइन पे लाया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। उन आपके नाम में जो भी मिनिस्ट्री कर रहे हैं प्रभु जी, उस पर आशीष दे प्रभु जी। उन दिनों में उनके परिवार को प्रभु जी, उनके बच्चों को प्रभु जी, तू इस्तेमाल कर प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा उनके द्वारा उनके हर एक मिनिस्ट्री के द्वारा होने पाए प्रभु जी। विशेषकर इस समय हम अमेरिका के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, अमेरिका के 50 स्टेट्स के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक गवर्नर्स के लिए, हर एक लीडर्स के लिए, विशेषकर हमारे प्रेसिडेंट ओबामा के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। Amen. तेरे वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु जी, तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु जी, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु जी, तू कृपा कर प्रभु जी। तेरा वचन कहता है प्रभु जी, लीडर्स के लिए प्रभु जी, राजाओं के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी, उसके आधार प्रभु जी, हम अपने आप को दीन होकर प्रभु जी, हालेलुया, अपने पापों को तेरे सामने रख के प्रभु जी, हमें क्षमा कर प्रभु जी, और इस देश को तू बचा ले प्रभु जी। हरेक दुष्ट शक्ति से प्रभु जी, इस देश को तू बचा ले प्रभु जी। प्रेसिडेंट की रक्षा के लिए प्रार्थना, उनके परिवार की रक्षा के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। जीवित परमेश्वर एक ही है, आने वाला परमेश्वर एक ही है, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर एक ही है प्रभु जी। इस परमेश्वर पर विश्वास करके प्रभु जी, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु जी, तो कृपा कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मेरा प्रभु है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, मुक्तिदाता परमेश्वर एक ही है प्रभु जी। सारा संसार प्रभु जी को जानने पाए प्रभु जी, हालेलुया। हरेक दुष्ट शक्ति से प्रभु जी, हरेक हालेलुया हालेलुया शैतानिक शक्ति से प्रभु जी, इस देश को तू बचा ले प्रभु जी। देश को प्रभु जी परमेश्वर में लौट आने पाए प्रभु जी, हालेलुया। तेरे वचन के आधार के अनुसार प्रभु जी, स्कूल्स में और कॉलेजेस में प्रार्थना ऊंचा उठने पाए प्रभु जी, हालेलुया। बाइबल स्टडीज हालेलुया स्कूल्स और कॉलेजेस में होने पाए प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी। स्कूल्स में जो टीचर्स पढ़ाते प्रभु जी, पवित्र आत्मा की भरपूर से पढ़ाने पाए प्रभु जी। हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं प्रभु जी, उनके द्वारा प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया स्कूल के हालेलुया रक्षा होने पाए प्रभु जी, उसके द्वारा प्रभु जी टीचर्स परमेश्वर को जानने पाए प्रभु जी, हालेलुया। विशेषकर हम इंडिया के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, 29 स्टेट्स के लिए, 7 यूनियन टेरिटरीज के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। भारत देश को प्रभु जी यीशु के नाम से हम क्लेम करते हैं प्रभु जी। ओ भारत देश प्रभु के लिए हो जाए प्रभु जी, वहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए विशेषकर हम प्रार्थना करते प्रभु जी। किसी भी तरह प्रभु जी, परमेश्वर के जन को प्रभु जी कोई सताने ना पाए प्रभु जी। जो भी हालेलुया तेरे जन को सताता है प्रभु जी, तू उसकी हालेलुया कार्य कर प्रभु जी, तू उसके लिए प्रभु जी हालेलुया, तू हमें अपनी आंखों की पुतली के जैसे संभालता प्रभु जी। तेरा वचन कहता है प्रभु जी, जो हमसे हालेलुया हो हमको सताते प्रभु जी, उसे तू हालेलुया युद्ध हमारे लिए तू युद्ध करके प्रभु जी, तू उन्हें बचा ले प्रभु जी हालेलुया। जो प्रोसिक्यूशन से जा रहे प्रभु जी, जो भी स्टेट में प्रभु जी तेरे नाम से प्रभु जी तेरे जन सताए जा रहे प्रभु जी, उसके लिए हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तेरे जन को कोई भी सताने ना पाए प्रभु जी, वो तेरे नाम में विश्वास में दृढ़ होकर प्रभु जी तेरे लिए आगे बढ़ने वाले हो पाए प्रभु जी। तेरे जन प्रभु जी अनेक लोग प्रभु जी अच्छा पानी पीने के लिए नहीं है प्रभु जी, वस्त्र नहीं है प्रभु जी, वो ऑर्फन्स है प्रभु जी, विडोज है प्रभु जी, उनके लिए हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन पर तू दया कर प्रभु जी, उनकी हर एक आवश्यकताओं को तू पूरी कर प्रभु जी। उनको जो भी सहायता है प्रभु जी, उन्हें जो फाइनेंशियल नीड है प्रभु जी, उन्हें जो हालेलुया भौतिक नीड है प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी पूरा करने वाला परमेश्वर तू ही है प्रभु जी। हर एक चर्चेस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इन दिनों में जब हम सुनते हैं प्रभु जी, बहुत चर्च प्रभु जी वो मंदिर हो जा रहा है प्रभु जी। हो हमारे प्रभु दया कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी। ओ चर्च में प्रभु जी तेरे नजन हालेलुया पवित्र आत्मा से आराधना करने के लिए प्रभु जी, तेरे धन को प्रभु जी स्वतंत्र कर प्रभु जी। हालेलुया कोई भी चर्च बंद ना हो जाए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हर एक द्वार को तू खोल प्रभु जी, हर एक बंद द्वार को तू खोल प्रभु जी। जो नए जन विश्वास में आए प्रभु जी हालेलुया, उनको कोई सताने ना पाए प्रभु जी, वो सब प्रभु में प्रभु जी आत्मा से भर कर प्रभु जी, वो सच्चाई से प्रभु जी
तेरे वचन के आधार प्रभु जी हालेलुया, तेरे को हालेलुया तेरे में विश्वास के द्वारा प्रभु जी और तेरी आराधना स्तुति और महिमा करने पाए प्रभु जी। हरेक चर्च को प्रभु जी तेरे नाम से प्रभु जी हम आशीषित करते प्रभु जी, हरेक चर्च लीडर्स को हम आशीषित करते प्रभु जी, उन्हें शक्ति और सामर्थ्य प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु जी कोई भी निराश ना हो प्रभु जी, पर सब अनंत जीवन पाए प्रभु जी हालेलुया। वहां के हरेक स्कूल और कॉलेजेस के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, तू दया कर प्रभु जी इस देश पर, तू दया कर प्रभु जी हालेलुया। हम एक मन होकर प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी इंडिया के लिए प्रभु जी, अमेरिका के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इंडिया और अमेरिका को प्रभु जी हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम क्लेम करते हैं प्रभु जी हालेलुया। ओ हालेलुया प्रभु, प्रभु यीशु मसीह में प्रभु जी राज प्रभु जी बढ़ने पाए प्रभु जी हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर प्रभु, आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, इतनी सुंदर। हम सब मिलकर प्रभु के लिए फिर से उसकी महिमा और उसके राज्य के लिए कार्य करें। विशेषकर थॉमस शमल पास्टर आज डिस्चार्ज होकर घर में गए हैं, उनकी सर्जरी में परमेश्वर ने सहायता की और हम निरंतर उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर ने उनको जो चंगाई दिया। कल रात को हन्ना बिटिया के साथ हमें प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। बिटिया को देखकर हमारा दिल भी बहुत खुश हुआ। परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद दो। उनका लास्ट अगस्त 26 उसका बर्थडे था, फर्स्ट ईयर, वन ईयर बर्थडे। परमेश्वर ने बिटिया के साथ रहा, आने वाले दिनों में भी परमेश्वर उसको पूर्ण चंगाई देकर आगे बढ़ाए और आज तक परमेश्वर ने हमें संभाला है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा के द्वारा इस प्रेयर लाइन को चलाएंगे और बहुत लोग इसके द्वारा परमेश्वर को जानने पाए और परमेश्वर को मुक्तिदाता स्वीकार करे। डॉक्टर अजय वंस मोर थैंक यू, पास्टर ब्लेसन वी थैंक यू एंड हैव अ ब्लेस्ड ट्रिप बैक टू इंडिया। एंड बिटिया रिया यहाँ पे बोर्न एंड ब्रॉट अप है बिटिया रिया, बट शी सैंग सो ब्यूटिफुल दैट नोबडी कैन से दैट शी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप, शी साउंडेड लाइक ए नॉर्थ इंडियन। गॉड ब्लेस हर एंड यूज हर एंड हर फैमिली फॉर गॉड्स ग्लोरी। And thank you all and have a good night. Good night. भला है, तू वासियों यहोवा की स्तुति करो।